बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर में लंबे समय से खड़ी पुरानी गाड़ियां अब जल्द ही हटा दी जाएंगी। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक पत्र भी लिखा गया है। इसमें खराब पड़े वाहनों को हटाने को लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जाँच की मांग की गयी है, क्योंकि पुराने सरकारी वाहनों को डिसमेंटल करने के लिए PWD की ओर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाहनों की जाँच करता है, जिसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। बिलासपुर अस्पताल के MS डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल परिसर में पुरानी एम्बुलेंस व अन्य वाहन लंबे समय से खड़े हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर इसकी जांच की है। जल्द ही परिसर का काफी स्थान खाली हो जाएगा, जहां स्टाफ के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ऐसा है ना, इसके लिए कंडेमनेशन के लिए रिपोर्ट बननी है, तो उसके लिए हमने PWD वालों को बोला हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है उनकी रिपोर्ट चाहिए होती है, कि वो बोल देगी कि ये रिपेयरेबल है कि नॉट रिपेयरेबल है। तो ये मैक्सिमम तो काफ़ी सालों से खड़ी हुई है यहाँ, तो ये नॉन रिपेयरेबल है, तो इनके लिए जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद हमने इसको राइट ऑफ के लिए प्रोसेस शुरू करने, ताकि ये गाड़ियाँ जो है राइट ऑफ हो जाए, लग रहा है कैंपस में खड़ी हुई है, तो ये हमने भेजा और वो जल्दी, जैसे हमारे को वहाँ से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हमने इनको राइट ऑफ के लिए प्रोसेस शुरू की। 5 गाड़ियाँ हैं हमारे पास यहाँ, जो जिनको मतलब वो है ही नहीं, आउट ऑफ द रोड कई सालों से खड़ी हुई है यहाँ, तो इनको तो राइट ऑफ करना ही है यहाँ।